हेलो एवरीवन, आज हम खेलने वाले हैं मॉन्स्टर लेजेंड्स। और ये एक ऐसा गेम है जिसको हम पूरे वर्ल्ड में खेल सकते हैं। तो ये मैं आज जो गेम खेल रहा हूँ इसके बारे में मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे इस गेम को खेलते हैं, कैसे इस गेम के जो मॉन्स्टर्स होते हैं इनको कैसे फीट करते हैं, सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को एंड तक के देखिएगा। और मैं यहाँ पे बताऊँगा कौन कौन से मोड्स भी हैं, कौन कौन से प्लेस भी हैं, यहाँ पे इवेंट बोर्ड पे क्या क्या आया है। और ये मैं इस आईडी को ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ और मुझे बहुत टाइम हो भी गया है इसको खेले हुए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मॉन्स्टर्स कलेक्ट करने होते हैं। कैसे करने होते हैं, शॉप पे जाया करें मॉन्स्टर्स पे। सबसे पहले आपको बिगनर्स के लेवल के लिए ये दो मिलेंगे, ये वाले मॉन्स्टर्स। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिथिक्स, लेजेंडरीज सब मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप अपने मॉन्स्टर का लेवल आगे कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने एक मॉन्स्टर का करा था और वो 110 का हो गया है और उसकी एक रिलिक भी आ चुकी है जिसमें ये स्टेमिना इंक्रीज करता है। और यहाँ पे हम लोग मॉन्स्टर्स को फीड भी कर सकते हैं और क्राफ्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको बता, यहाँ से आपको सेल्स मिलेंगे और जो है यहाँ से आप जो है यहाँ से भी चेस्ट खरीद सकते हैं और चेस्ट में से भी आपको बहुत से कुछ सेल्स मिल सकते हैं बहुत सारे। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको एक मॉन्स्टर का एग भी मिल सकता है यहाँ से, आपको एक एपिक का मिल सकता है, एक रेयर का मिल सकता है। यहाँ से आपको मिथिक के सेल्स मिल सकते हैं और कोई सभी डूम्सडे एरा और मेट्रोपॉलिटन एरा, ये एरास मतलब होता है, मतलब एक एक वर्ज़न आता है और उसका एक अलग नाम होता है और उस नाम को कहते हैं एरा। और कम से कम बहुत सारी एरा आ चुकी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पूरी 7 एराज आ चुकी हैं। तो वीडियो देखेंगे तो आपको इनमें से कोई दो चीज़ें मिलेंगी, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चेस्ट का नाम डॉक्टर स्कूल और मुझे यहाँ पे क्या रिवॉर्ड मिला है। मुझे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरा का एक जो मॉन्स्टर है उसके 5 सेल्स मिले हैं और यहाँ पे एम्ब्रोजिया नाम का एक सेल मिला है जिधर से आप अपने मॉन्स्टर को रैंक अप कर सकते हैं। आप यहाँ से भी, इधर से भी आप एक वुडन चेस्ट ले सकते हैं जैसे ज़्यादा हायर आइटम मिलता है इस तरफ से, बिल्कुल एंड पे मिलेगी आपको। और यहाँ से भी आपको फूड मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा और रेयर और एपिका, यहाँ से भी आपको एग मिल सकता है। इस तरह आप अपने गेम स्टार्ट कर सकते हैं लैक रॉक के। अब हमें करना क्या है, जिस वजह से हमें सेल्स में मिले हैं, चेस्ट में मिले हैं, हमें यहाँ पे आना है। ये जो आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा हथौड़े का, इधर आना है और इधर से हमें फ़ाइट करनी है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं तो मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ, पर मैंने यहाँ पे वाइजल, लकी क्लाइंट और मैडम फ्यूजन को करा हुआ है। इसको साइड पर रखना है और यहाँ पे एडवेंचर मैप, मैंने तो यहाँ तक इनको पूरा कंप्लीट करा हुआ है, पर आपको जो है सबसे पीछे वाले एक मैप से कंटिन्यू करने का बोलेंगे और वो मैप आपके लिए तो थोड़ा सा ये हार्ड होगा क्योंकि एंड में ना एक बड़ा सा ये आता है मॉन्स्टर, जिसको हराने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था और अब मैं बहुत आगे पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ से भी आप वीडियोस देख देख कर, आप यहाँ से, आपको यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, 100 diamonds भी मिल सकते हैं, 10 diamonds भी, 1 diamond भी मिल सकता है। यहाँ से आप टास्क कंप्लीट करें, टास्क कंप्लीट करने से भी आपको यहाँ से डायमंड्स मिलना शुरू होंगे। तो आप यहाँ पर ब्रीड भी कर सकते हैं, ये ब्रीडिंग इवेंट जो होता है यहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो ये जो बता रहे हैं हमें ये करना पड़ता है और ये मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। मेरे पास यहाँ पे 3 मॉन्स्टर्स हैं जिनको मैं अभी हैच पे लगाऊंगा।
यहाँ पे मेरा एक ये कंप्लीट होने वाला है, बगैर ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस पर, तो मैं डायमंड्स लगा देता हूँ इस पर। ये कंप्लीट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिथिक का हैबिटेट। अब मैं इस पर कोई एक मॉन्स्टर रख दूँगा, जैसे कि मैं रख देता हूँ फोसेरियस, ठीक है। यहाँ पे इसके सारे एनिमेशन दिखाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको फीड कैसे करना है, कि जो आप यहाँ पे टमाटर देख रहे हैं, इन टमाटरों को आपने इसको खिलाना है, और यहाँ पे आपको इसकी स्किल्स भी मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे करते रहिएगा। अब फूड कहाँ से जमा करना है, फूड आपको इधर फार्म से मिलेंगे, फार्म और यहाँ बैटल से भी मिलेंगे। इधर आपको बहुत सारे मिलेंगे फूड, और जो फार्म्स है ना, आपको इनको हायर लेवल पे करना होगा, जिससे जो है आपको 125,000 के फूड्स मिलेंगे। और यहाँ पे ये 312,000 के भी हैं, इधर तो कुछ और ही चल रहा है, तो ये लगा लेते हैं। ये बहुत टाइम लेगा, पर वो तो जाएगा, पर बहुत टाइम लेगा, ये पैसों की कम बचत होगी और ये कल तक के हो जाएगा। और आपके पास कम से कम गारंटीड 5 से 6 मिलियन तो आपकी फूड हो ही जाएंगे। मैं पहले ये कर लेता हूँ, इनको बाद में करेंगे। अब जो है यहाँ पे जो आपको ग्रोथ सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपने मॉन्स्टर्स को फीड कराना है। जितना फीड करेंगे उतने यहाँ पे आपको आइटम मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको तीन तीन और दिख रहे हैं, पहले मल्टीप्लेयर पे जाते हैं। मल्टीप्लेयर पे यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ग्रैंड मास्टर, एक होता है क्लासिक और एक होता है टूर्नामेंट। क्लासिक में ये होता है, आपको ये सिल्वर कलर के टोकन दिए जाते हैं, जिसमें आपको खेलना होता है, फाइट करके आपको फिर येलो टोकन्स मिलते हैं, येलो टोकन से खेलना होता है। पर यहाँ पर अभी येलो टोकन शो नहीं हो रहा है, जब होएगा फिर हम फाइट भी करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लेयर पे आपको क्या करना होता है, सामने वाले से फाइट करनी होती है, जिससे मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप जीतेंगे तो आपको कुछ मिलेंगे, जहाँ से आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। मैं फ़ाइट करता हूँ, सामने लूज़र टीम आई है थोड़ी। अब मुझे 50 सेल्स मिलेंगे। अब वो क्यों मिलेंगे दिखाता हूँ, ये आ गए 50 सेल्स। ये क्यों मिले मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको नीचे टेयर्स दिख रही हैं, इनसे बड़ी बड़ी टेयर्स होती हैं। ये टेयर नंबर 1 है, फिर टेयर 2, फिर टेयर 3, फिर टेयर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 7 मैक्सिमम होती है, 7 पे आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो है देखें, मैंने यहाँ पे 75 कंप्लीट करे तो मुझे इसके जो है सेल्स मिले, और मैं यहाँ से इसको क्राफ्ट भी कर सकता हूँ। अब ये इसको क्राफ्ट पे लगा देता हूँ इसको, और इसको अभी छोड़ देते हैं क्राफ्ट पे। अब यहाँ पे जो है मेज़ आइलैंड पे आपको क्या करना है, आपने यहाँ से मेज़ के टोकन्स कलेक्ट करने हैं। वो कहाँ से करने हैं, डंजियंस पे जाएं। डंजियंस पे जाने के बाद हमेशा रिसोर्स पे डंजियंस पे जाइएगा। यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगा मेज़ आइलैंड के ऐसे वाले कुछ डंजियंस, वहाँ से आप कंप्लीट करिएगा। मैंने कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा है। सीजनल डंजियंस पे आपको इस किताब के बुक्स चाहिए होंगे, अब मेरे पास हैं या फिर नहीं, मेरे पास नहीं, अगर आपके पास होंगे तो आप भी फाइट कर लीजिएगा इनसे। और इसके अलावा आप अपनी डिफेंस टीम भी रख सकते हैं। डिफेंस टीम जब आप ऑफलाइन चले जाएंगे तो ये टीम फिर सामने वालों की तरफ से खेलेगी, फिर ये टीम आपको जितवाएगी आगे की तरफ। पर अभी क्राफ्ट लगाया हुआ है, यहाँ से आपने गोल्स कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट डेली मिशंस।
यहाँ से आपको डेली बेसिस पे डायमंड्स मिलेंगे, यहाँ पे 3 डायमंड्स हैं, यहाँ पे मिलते रहेंगे आपको। एंडिंग करके आ रहा हूँ मैं एंडिंग करके आ रहा हूँ बस। जाओ यहाँ से, तो अभी मैं आपको यहाँ पे 2-3 और मैच खेल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे और मैच मैं खेल के दिखाऊँ, इनको पहले मैं खेल, टेयर भी मिलेंगे, टेयर आगे पीछे होंगे, अलग अलग लेवल्स के होंगे। जैसे यहाँ पे अभी मुझे टेयर वही मिल रहा है, वही मिल रहा है मुझको तो। और अभी मेरे हो चुके हैं 80 BTS। अगर मैं 100 कर लूँगा तो मुझे कॉन्टेस्ट टोकन मिलेगा। अब ये मैं भी नहीं जानता कि कॉन्टेस्ट टोकन से होता क्या है। कॉन्टेस्ट टोकन का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा रिसर्च करके। गोल्स पे यहाँ से भी गोल्स कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये इधर एवतार मिलेंगे, इधर जाएं कस्टमाइज पे, यहाँ पर एवतार होते हैं सारे, एवतार भी लगा सकते हैं, फ्रेंड्स भी लगा सकते हैं। यही थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय। मम्मा ये आपने रिकॉर्डर डाउनलोड करा है? ये रिकॉर्डर आपने डाउनलोड करा है?